गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग कार्नोट साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कार्नोट साइकिल एक आइडियलाइज्ड थर्मोडायनेमिक साइकिल है जो कंसिस्ट करता है बेसिकली फोर रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के लिए, मतलब ये इंडिपेंडेंट ऑफ सब्सटेंस हो सकता है। ठीक है, होता है, सब्सटेंस पे ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता था। कार्नोट साइकिल बेसिकली चार प्रोसेस को मिलकर बना होता है। ठीक है, जैसा कि हम लोग साइकिल के बारे में जानते हैं कि साइकिल एक बेसिकली क्या है, ये एक स्टेट का लोकस है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट का लोकस है। एक पॉइंट जो डिफाइन होता है, स्टेट से डिफाइन होता है, स्टेट ऑफ द सिस्टम से डिफाइन होता है। ठीक है, जब डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट को मिलाते हैं और इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो वो एक साइकिल बनता है, वो एक थर्मोडायनेमिक साइकिल बनता है। ठीक है, जब थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी से उसको डिफाइन करते हैं तो उसी तरह से कार्नोट साइकिल एक साइकिल का स्पेशल केस है। साइकिल तो इनफाइनाइट हो सकता है लेकिन कार्नोट साइकिल उन साइकिल में से एक स्पेशल केस है जो बेसिकली चार प्रोसेस से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो चार प्रोसेस के बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे चार प्रोसेस है। एक रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन प्रोसेस, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस और रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन प्रोसेस। तो वन बाई वन पहले हम समझते हैं, लेकिन सबसे पहले है ना हम समझेंगे कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। देखिए, रिवर्सिबल प्रोसेस एक वैसा प्रोसेस होता है कि अगर कोई भी प्रोसेस को फॉरवर्ड एग्जीक्यूट किया जाए और उसको फिर से इनिशियल स्टेट पे अगर ले जाया जाए तो वो सेम पाथ को फॉलो करते हुए अपने इनिशियल पोजिशन पे आएगा। दैट मीन्स अगर रिवर्सिबल प्रोसेस कहीं पे एग्जीक्यूट हो रहा है तो वो सिस्टम एंड सराउंडिंग पे कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा। सिस्टम एंड सराउंड, फिर से रिपीट कर लो, रिवर्सिबल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसको अगर फॉरवर्ड एग्जीक्यूट करे और उसको सेम इनिशियल पॉइंट पे फिर से जाना है तो सेम पाथ को फॉलो करेगा। जिस पाथ से वो फॉरवर्ड गया था उसी पाथ को फॉलो करते हुए वो बैकवर्ड आएगा अपने इनिशियल पॉइंट पे। दैट मीन्स इनर्जी का लेवल हमेशा सेम मेंटेन होगा, मतलब सिस्टम सराउंडिंग पे कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो जो पहले एनर्जी का क्वालिटी था वो बाद में भी होगा। ठीक है, तो रिवर्सिबल के बारे में समझ गया। लेकिन रिवर्सिबल भी होता है, दो तरह से होता है। अगर कार्नोट साइकिल के बारे में पढ़ रहे हैं तो कार्नोट साइकिल से कार्नोट इंजन को डिजाइन करेंगे तो कार्नोट इंजन बेसिकली क्या होता है, फुल्ली रिवर्सिबल प्रोसेस। फुल्ली रिवर्सिबल कहने का मतलब एक्सटर्नली भी रिवर्सिबल होना चाहिए और इंटरनली भी रिवर्सिबल होना चाहिए। इंटरनली रिवर्सिबल होने का मतलब ये होता है कि सिस्टम में इंट्रोपी जनरेशन नहीं होना चाहिए। सिस्टम में इंट्रोपी बेसिकली क्या है, रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम है तो सिस्टम में अगर रैंडमनेस ज्यादा क्रिएट हो जाएगा तो आपका एनर्जी है ना बर्बाद होने लगेगा, वेस्ट होने लगेगा। ठीक है, तो वो इंटरनली रिवर्सिबल में आपका क्या होगा, इंट्रोपी शुड ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट। इंट्रोपी जनरेशन सिस्टम में नहीं होना चाहिए। अगर सिस्टम में इंट्रोपी जनरेशन नहीं हो रहा है तो सिस्टम इंटरनली रिवर्सिबल है। और सिस्टम एक्सटर्नली रिवर्सिबल होने का मतलब कि हीट का जो ट्रांसफर हो रहा है वो हमेशा कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे हीट का ट्रांसफर होगा। ऐसा नहीं होगा कि टेम्परेचर पहले 100 डिग्री था उस पर 10 किलो जूल का एनर्जी मतलब ट्रांसफर हो रहा था और बाद में 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो गया सिस्टम तो फिर भी 10 है। तो ये टेम्परेचर का जो वेरिएशन है ना ये नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर पहले अगर 100 था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड था तो बाद में भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। आई होप आपको बेसिक आइडिया पता चल गया होगा कि फुल्ली रिवर्सिबल सिस्टम के बारे में क्या हम समझते हैं। ठीक है, तो अब मूव करते हैं वन बाई वन प्रोसेस में। तो रिवर्सिबल का आइडिया हमको मिल गया, अब आइसोथर्मल प्रोसेस में आते हैं। तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें इंटायर द प्रोसेस टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है। टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होने का मतलब पीवी का प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट होगा, मतलब पी और वी का मल्टीप्लीकेशन मिला के कॉन्स्टेंट होना चाहिए और ये कॉन्स्टेंट का वैल्यू हमेशा, ये कॉन्स्टेंट का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इस चीज को है ना माइनूटली समझिए। उसी तरह से हम नेक्स्ट मूव करते हैं
एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस एक वैसा प्रोसेस होता है जिसमें हीट नेट हीट का इंटरेक्शन बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग जीरो होता है। मतलब ना तो सिस्टम में बाहर से सिस्टम में हीट आएगा और ना ही सिस्टम से बाहर हीट जाएगा। मतलब जो एनर्जी पहले था वही एनर्जी बाद में भी रहेगा सिस्टम में। मतलब इस केस में नेट एनर्जी का जो इंटरेक्शन है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग वो चेंज नहीं होने वाला, वो नेट एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होने वाला है। ठीक है, तो अब समझते थे इसके लिए। तो आपका एक आइडियाबैटिक इक्वेशन है पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, जो हम आगे आगे अभी देखेंगे। ठीक है, तो आइसोथर्मल में भी समझ गया कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट, और एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है जिसमें नेट हीट का इंट्रैक्शन जीरो होता है। ठीक है, तो आप समझते हैं कि एक्सपेंशन प्रोसेस लिखा हुआ है, एक्सपेंशन एक्सपेंशन कंप्रेशन कंप्रेशन कहीं कहीं लिखा हुआ है। तो एक्सपेंशन जहां पे हो रहा है ना, मतलब एक्सपेंशन हो रहा, गैस एक्सपेंड कर रहा है, गैस एक्सपेंड कर रहा है, तो मतलब उसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। और चूंकि वॉल्यूम अगर इंक्रीज किया तो ये वाला इक्वेशन से, ये जो आइडियल गैस का इक्वेशन लिखे है ना, ये आइसोथर्मल के लिए आइडियल गैस से पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो प्रेशर अपने आप डिक्रीज कर जाएगा। तो इसलिए एक्सपेंशन प्रोसेस में वॉल्यूम इंक्रीज करेगा और प्रेशर आपका डिक्रीज करेगा, प्रेशर आपका डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए। उसी तरह से अब कंप्रेशन प्रोसेस में हम चलते हैं। तो कंप्रेशन प्रोसेस में क्या होता है, कंप्रेशन प्रोसेस में हम एनर्जी का अगर सप्लाई करेंगे सिस्टम में तो उसमें क्या होगा कि आपका वॉल्यूम डिक्रीज होगा और प्रेशर इंक्रीज होगा। ठीक है, माइन्यूटली ये सब चीजों को समझिएगा क्योंकि ये है ना बहुत बेसिक चीजें है थर्मल इंजीनियरिंग का। ठीक है, पूरा इंजीनियरिंग में थर्मल इंजीनियरिंग का ये सब चीज बहुत बहुत बेसिक है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो उसी तरह से हम देखिए चार प्रोसेस है पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट्स डिफरेंट प्रोसेस का लिए है। ठीक है, तो अब चूंकि हम मैंने आपको बोला था कि आइसोथर्मल के केस में आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, लेकिन वही आइडियाबैटिक के केस में आपका नेट हीट का इंट्रैक्शन जीरो होगा। ठीक है, तो आप देखिए मैंने बताया था यहाँ पे रिवर्सिबल है, तो रिवर्सिबल है तो इसका मतलब यहाँ पे हॉट रिजर्वायर है जो टीएच टेम्परेचर पे हमेशा मेंटेन होगा और इससे हीट सिस्टम में जाएगा। सिस्टम मतलब क्यूएच अमाउंट का हीट गया तो एनर्जी आप सिस्टम को देंगे तभी तो ये एक्सपेंड करेगा। तो देखिए ये एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये आइसोथर्मल मतलब इस तरह से एक्सपेंड करेगा कि टेम्परेचर हमेशा कॉन्स्टेंट होगा। ठीक है, और आप टेम्परेचर देखिए टीएच हमेशा कांस्टेंट होगा। उसी तरह से जब सेकेंड आइडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस, तो आइडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस में क्या है, सिस्टम एंड सराउंडिंग से जो हीट का एक्सचेंज होगा, जो यहाँ से हीट का एक्सचेंज यहाँ यहाँ होगा, मतलब यहाँ पे क्यू का वैल्यू होगा ये हमेशा जीरो होगा, ये हमेशा जीरो होगा। ठीक है, तो नेट हीट का इंट्रैक्शन जीरो होगा। देखिए इसको इंसुलेट करके रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक्सपेंशन तो हो रहा है लेकिन आपका एनर्जी का इंटरेक्शन सिस्टम से सराउंडिंग के बीच में नहीं हो रहा है। उसी तरह आइसोथर्मल कंप्रेशन है, तो आइसोथर्मल कंप्रेशन में आपको कंप्रेशन वर्क करना है तो आपको कुछ ना कुछ सिस्टम को वर्क देना पड़ेगा। तो देखिए इस केस में आपको टीसी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे क्यूसी अमाउंट का हीट का रिजेक्शन हो रहा है, टीसी टेम्परेचर पे क्यूसी अमाउंट का हीट रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो कंप्रेशन प्रोसेस है इसलिए इसमें हीट रिजेक्शन होगा। कंप्रेशन में मैं ऑलरेडी बताया हूँ कि कंप्रेशन में आपका क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा प्रेशर इंक्रीज करेगा। सेम उसी तरह से एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस में भी होगा लेकिन इसमें एनर्जी का इंट्रैक्शन नहीं होगा। आई होप यहाँ तक सब लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं पीवी डायग्राम पे। तो कार्नोट साइकिल का पीवी डायग्राम है, जैसे देखिए 1 से 2 है, तो 1 से 2 के प्रोसेस में क्या है कि यह पूरा का पूरा आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर हमेशा कॉन्स्टेंट होगा, मतलब डिफरेंट पॉइंट पे पी और वी का प्रोडक्ट हमेशा कॉन्स्टेंट होगा, पी और वी का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होगा। तो इंटायर द प्रोसेस आपका टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट होगा। और देखिए चूंकि एक्सपेंशन प्रोसेस है तो डायग्राम में देखिए 1 से 2 मूव कर रहे हैं तो वॉल्यूम का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, उसी तरह से 1 से 2 मूव कर रहे हैं तो प्रेशर का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। तो मतलब हम जो चीज आपको बताए थे ऊपर में वो सेम चीज यहाँ पे मतलब मैच कर रहा है।
मतलब मेरा डायग्राम जो है आप क्रॉस चेक करेंगे तो सही है, ठीक है। उसी तरह एडियाबेटिक एक्सपेंशन है तो इसमें आपका नेट हीट का जो इंट्रैक्शन है ना जीरो है, मतलब यहाँ पे ना सिस्टम से सराउंडिंग में हीट आएगा और ना सराउंडिंग से सिस्टम में हीट आएगा टू से थ्री में। उसी तरह से थ्री से फोर में ये आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस, तो इसमें भी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होगा चूंकि कंप्रेशन प्रोसेस है। तो थ्री से फोर में आपका क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। उसी तरह फोर से वन के केस में भी सेम चीज होगा, ठीक है। क्योंकि मैं साइकिल के बारे में बताया था कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट कॉन्साइड करना चाहिए, तो देखिए चारों प्रोसेस के बाद पॉइंट एक ही पॉइंट पे मैच कर गया, मतलब ये एक साइकिल बन गया। अब चूंकि हम साइकिल जानते हैं कि एरिया अंडर द पीवी डायग्राम वो मेरा देता है वर्क डन, तो वर्क डन देता है। तो अब समझते हैं वन से टू, टू से थ्री, तो वन से टू और टू से थ्री, तो वन से टू में भी एक्सपेंशन हो रहा है और टू से थ्री में भी एक्सपेंशन हो रहा है, इसमें आइसोथर्मल हो रहा है, इसमें एडियाबेटिक हो रहा है। तो इसमें जो एरिया अंडर द कर्व मिलेगा ना, इसमें जो एरिया मिलेगा ये वर्क फॉर एक्सपेंशन मिलेगा, मतलब एक्सपेंशन प्रोसेस, हम सिस्टम को एनर्जी दे रहे हैं और सिस्टम एक्सपेंड कर रहा है, तो एक्सपेंड करेगा तो हमको वर्क डन मिलेगा, तो वर्क डन मिलेगा तो इतना वर्क हमको मिलेगा। उसी तरह से जब थ्री से फोर, फोर से वन, ये कंप्रेशन प्रोसेस है, मतलब किसी चीज को कंप्रेस करना है, तो आपको सिस्टम को एनर्जी देना पड़ेगा। तो सिस्टम को जब एनर्जी दीजिएगा तो इतना ये वाला जो एनर्जी का अमाउंट है, ये सब ये पूरा एनर्जी का अमाउंट आपको जो है ये सिस्टम को आपको देना पड़ेगा। इतना एनर्जी आप सिस्टम को दीजिएगा तभी गैस कंप्रेस कीजिएगा। तो इतना वर्क डन आपको मिल रहा है, इतना वर्क डन आपको मिल रहा है, ये पूरा एरिया अंडर द कर्व है ना, ये आपको मिल रहा है वर्क फॉर एक्सपेंशन, ठीक है, ये आपको मिल रहा है। और यहाँ पे आपको वर्क डन देना पड़ रहा है सिस्टम में, यहाँ पे वर्क डन देना पड़ रहा है वर्क फॉर कंप्रेशन, ठीक है। तो इतना वर्क डन आपको मिल रहा है और इतना आपको देना पड़ रहा है, तो दोनों को माइनस कीजिएगा तो आपका नेट वर्क डन यही आ जाएगा, तो ये साइकिल का नेट वर्क डन होगा। आई होप यहाँ तक सब लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब चूंकि मैं एक चीज और बताया था कि जो आइडियाबेटिक प्रोसेस के केस में है हीट का इंट्रैक्शन होगा नहीं, हीट का इंट्रैक्शन होगा नहीं, तो कोई भी साइकिल आप चलाइएगा तो साइकिल को एनर्जी का सप्लाई तो कीजिएगा ना, साइकिल को एनर्जी का सप्लाई नहीं कीजिएगा तो कैसे साइकिल चलेगा। तो वही देखिए आपके पास दो ही प्रोसेस बच गया, वन से टू और थ्री से फोर, मतलब यही दो प्रोसेस में आप एक में हीट का एडिशन कर सकते हैं, एक में हीट का रिजेक्शन कर सकते हैं। तो वन से टू में आपको एक्सपेंशन वर्क मिल रहा था, आप यहाँ पे हीट का सप्लाई कर रहे थे इसीलिए एक्सपेंशन वर्क आपको वन से टू में मिल रहा था। वही थ्री से फोर में आप गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, तो गैस को कंप्रेस कर रहे हैं तो आप गैस को कंप्रेस कीजिएगा तो उसमें हीट जनरेट होगा, तो हीट वहां से रिजेक्ट करना पड़ेगा, मतलब QH आपका जो है सिस्टम में हीट एडेड टू द सिस्टम है और QL जो है हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम है। तो ये चीज आप समझ गए अच्छे से, आई होप सभी को अच्छे से ये चीज समझ में आ गया होगा, क्लियर सबको समझ आ गया होगा, इतना समझ आ गया। तो अब हम मूव करते हैं कि कार्नोट का कुछ प्रिंसिपल है। तो कार्नोट का प्रिंसिपल क्या है कि जो भी इरिवर्सिबल हीट इंजन होगा, ठीक है, इरिवर्स दो तरह का इंजन आप लीजिए, एक इरिवर्सिबल हीट इंजन लीजिए, एक रिवर्सिबल हीट इंजन लीजिए। तो रिवर्सिबल हीट इंजन का हमेशा इफिशियंसी ज्यादा होगा इरिवर्सिबल हीट इंजन के कंपेयर में, इसी कारण से इसका इफिशियंसी जो है रिवर्सिबल हीट इंजन का वो इरिवर्सिबल से हमेशा ज्यादा होगा, जबकि दो बिटवीन सेम रिजर्वायर पे दोनों इंजन ऑपरेट हो रहा है, तो दो आपके पास सिस्टम है, हीट इंजन है, एक रिवर्सिबल हीट इंजन है, एक इरिवर्सिबल हीट इंजन है, दोनों सेम रिजर्वायर पे वर्क कर रहा है, मतलब सेम टेम्परेचर रिजर्वायर पे वर्क कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे फिर से मैं डायग्राम पे ला रहा हूँ, यही रिजर्वायर, ये TH वाला रिजर्वायर और ये TC वाला रिजर्वायर, मतलब इसी पे वर्क कर रहा है। एक बार इंजन को रिवर्सिबल कंसीडर करते हैं, एक बार इरिवर्सिबल कंसीडर करते हैं, तब हम देखते हैं, तब हम यहाँ पे फाउंड कर रहे हैं कि जो दोनों के केस में आपका होगा रिवर्सिबल के केस में इफिशियंसी हमेशा ज्यादा होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है उसमें एनर्जी का क्वालिटी खराब नहीं होता है, एनर्जी का क्वालिटी खराब नहीं हो रहा है, तो आप ज्यादा से ज्यादा एनर्जी यूज कर पाओगे ना, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी यूज कर पाओगे तो सिस्टम उतना ही ज्यादा इफिशियंट होगा ना, तो इसीलिए यहाँ पे ये पॉइंट लिखे हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको सब लोग नोट डाउन कीजिए। सेकेंड कि अगर दो रिवर्सिबल आप हीट इंजन लिए, दो रिवर्सिबल हीट इंजन लिए, अब दोनों क्या कर रहा है, सेम टेम्परेचर रिजर्वायर पे वर्क कर रहा है, तो उसका इफिशियंसी जो होगा ना दोनों का, वो हमेशा सेम होगा, हमेशा सेम होगा। वही चीज यहाँ पे सेकेंड पॉइंट लिखे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको क्या कंस्टिट्यूट करता है, ये आपको बेसिकली ये बता देता है, ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मतलब केल्विन प्लैंक और क्लॉसियस स्टेटमेंट दोनों को सेटिस्फाई करता है। देखिए केल्विन प्लैंक और क्लॉसियस स्टेटमेंट मैं अलग से लेक्चर बना दूंगा ताकि आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाए उन सब चीजों को, ठीक है। अच्छे से मैं लेक्चर एक तैयार कर दूंगा। फिर भी मैं इतना का सेशन लिया हूँ, इतना सेशन में आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर आप आपका कमेंट मुझे आएगा, आपका फीडबैक मुझे आएगा, तो मैं उसके बिहाफ पे और भी बेटर तरीके से आपके लिए वीडियो बना पाऊंगा, ठीक है। और देखिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग को अच्छा करना है तो पूरा थर्मल इंजीनियरिंग आपके लिए बहुत अच्छा होना चाहिए। तो थर्मल इंजीनियरिंग अच्छा होगा, ये बेसिक बेसिक चीज को आप अंडरस्टैंड करेंगे, इसको नोट डाउन करेंगे और इसको माइन्यूटली समझेंगे, इमेजिनेशन करेंगे, तभी आपके कंसेप्ट इससे रिलेटेड अच्छे होंगे, ठीक है। तो आई होप सर इतना आज का सेशन को सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट के सेशन में हम लोग कार्नोट साइकिल के इफिशियंसी के बारे में पढ़ेंगे और कार्नोट साइकिल का टीएस डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और वीडियो को अंत तक देखें, एक एक पॉइंट को नोट डाउन करें, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, आज के सेशन में इतना ही।